नए कार्यकर्ताओं को सौंपी गई जिम्मेदारियां। जी हां, खबर है यूपी के कासगंज जिले में विहिप गौ रक्षा विभाग व विश्व हिंदू परिषद की जनपद कासगंज के गांव बोंदर में मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें मीटिंग की अध्यक्षता अशोक कुमार सिसोदिया ने की। मुख्य अतिथि जितेंद्र दैपुरिया प्रांत संयोजक व देवेंद्र पुंडीर सह संयोजक ब्रज प्रांत और अशोक तिवारी पंडित कमला प्रसाद विभाग अध्यक्ष विकास चौधरी जिला अध्यक्ष एटा प्रांत मीडिया चौहान वेदेत सिंह जिला अध्यक्ष विक्रम सिसोदिया बजरंग दल संयोजक जिला मंत्री सुखवीर सिंह पुंडीर एडवोकेट व जिला मीडिया प्रभारी अखिल पुंडीर धर प्रसाद प्रमुख श्री रघुराज सिंह सोलांकी व प्रखंड पटियाली अध्यक्ष डॉक्टर विनय कुमार राहुल गुप्ता एडवोकेट समर सिंह उमाकांत मंत्री दिलीप सह मंत्री उपेंद्र कोसा अध्यक्ष आशीष आदि लगभग 200 कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मीटिंग का मुख्य उद्देश्य मनोज ठाकुर को जिला कासगंज का विहिप गौ रक्षा विभाग का जिला संयोजक की जिम्मेदारी सौंपी गई। उनके साथ ही कुछ नवीन कार्यकर्ताओं को भी जिम्मेदारी सौंपी गई। प्रसार प्रमुख रघुराज सिंह सोलांकी व प्रखंड पटियाली का अध्यक्ष डॉक्टर विनय कुमार उपाध्यक्ष राहुल गुप्ता एडवोकेट समर सिंह जी उमाकांत मंत्री दिलीप सहमंत्री उपेंद्र कोषाध्यक्ष आशीष को बनाया गया और शुभकामनाएं भी दी गई। कार्यक्रम का समापन देवेंद्र सिंह सह संयोजक ब्रज प्रांत और कमला प्रसाद विभाग अध्यक्ष ने किया। इस मौके पर पत्रकारों और अतिथियों का माला अर्पण कर सम्मानित किया गया। देखे कासगंज से संजय सिंह की यह रिपोर्ट। आज जो कार्यक्रम किया है वो किस विषय पर किया है? आज गौ रक्षा विभाग विश्व हिंदू परिषद की तरफ से बोंदर ये सबको दे मैं ठाकुर मनोज सिंह ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें यहाँ जो नए पदाधिकारी हैं उनको पदभार ग्रहण कराया गया, उनका यहाँ अभिनंदन किया गया है और उसके लिए प्रदेश के प्रभारी प्रदेश के पदाधिकारी श्री जयपुरिया जी देवेंद्र सिंह जी और अशोक तिवारी जी कमला प्रसाद जी सुभाष डॉक्टर सुभाष सक्सेना जी विकास चौधरी जी आदि अन्य लोग यहां उपस्थित हुए। सब लोगों ने आकर इस कार्यक्रम में सहभाग किया। आज जो कार्यक्रम हुआ है उसके शुभ अवसर पर आप क्या कहना चाहेंगे? आज हमारे छोटे भाई मनोज ठाकुर जी को राष्ट्रीय गौ रक्षा आंदोलन समिति का जिला संयोजक मनोनीत किया गया है। इनको जो जिम्मेदारी सौंपी गई है गौ रक्षा की, तो ये किस तरह से गौ रक्षा करानी है ये हमारे सभी पदाधिकारियों ने सारी चीज़ें बताई। गौ रक्षा विभाग क्या क्या करता है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, गौ रक्षा से क्या क्या बेनिफिट है और गौ माता को किसान छोड़ रहे हैं लेकिन किसानों की समस्याएं भी हैं, उनकी फसलों को भी खाया जा रहा है लेकिन उससे बेनिफिट है। अगर हमारा किसान गौ माता को पालता है तो एक गौ से बिना दूध देती हुई गाय कम से कम 10,000 रुपये प्रति मंथ पैदा करके दे सकती है अगर उसका सही उपयोग किया जाए। मैं चाहता हूं कि हमारे जिला संयोजक ज़्यादा से ज़्यादा इसका उपयोग कराएं और हम प्रशिक्षण भी प्रोवाइड कराएंगे जनपद में कि लोगों को प्रशिक्षित कर रोजगार परक युवाओं के लिए अवसर प्रदान किया जाएगा।